ये सब जानते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए हैं, 3 घंटा लिखने के लिए हैं, 70 का पूर्णांक होता है। समझ में आया? अब पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य कथन है, छांट कर लिखिए। कायदे से पढ़िएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एक असत्य कथन है, छांट कर लिखिए। तो 3 सत्य होते हैं, लेकिन जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। गलत। जैनेन्द्र कुमार कहानीकार उपन्यासकार हैं। ममता के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन इसमें रामधारी सिंह दिनकर लिखा है, इस प्रकार ये भी गलत हो गया। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के हैं, गलत। चौथा है प्रबंध पारिजात, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये राइट आंसर है। तो राइट आंसर चौथा है, प्रबंध पारिजात के रचयिता। अब देखिए, एक कृति के लेखक का नाम लिखना है, इंद्रजाल, तो इंद्रजाल मधुवा गुंडा आंधी ये सब किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की। तो इंद्रजाल के कौन हुए? सेवा सदन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, गबन, गोदान, ये सब किसकी हैं? निर्मला, सब मुंशी प्रेमचंद की हैं। दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मिट्टी की ओर दिनकर, मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर। किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक जीवनी लेखक का नाम, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, और या फिर कलम का सिपाही अमृत राय, कोई एक लिख दीजिए। और फिर है मैं इनसे मिला, मैं इनसे मिला, इसकी विधा क्या है? मैं इनसे मिला भेंट वार्ता विधा की रचना है। संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम बताना है। तो संस्मरण विधा की एक लेखिका हैं और उनके संस्मरण 2 हैं, पथ के साथी, मेरा परिवार। तो ये एक लिख दीजिए, कोई हो जाएगा। फिर है रीतिबद्ध शाखा के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो बिहारी रीति सिद्ध थे, घनानंद, बोधा, आलम वगैरह रीति मुक्त हो गए। और केशवदास जो थे वो क्या थे? रीति बद्ध थे। रामचंद्रिका लिखा है उन्होंने, तो उनकी एक रचना हो गई रामचंद्रिका, है ना, और वो कवि हो गए केशवदास। फिर है प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं बताइए। प्रयोगवादी काव्यधारा, प्रयोगवादी काव्यधारा तार सप्तक से चलती है, अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर वगैरह उसमें हैं। तो प्रयोगवादी काव्यधारा छायावादोत्तर यानी प्रगतिवादी काव्यधारा के बाद चलती है। इसकी प्रथम विशेषता है, प्रथम विशेषता प्रयोगवाद की है क्या बताइए? मुक्तक शैली का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग। नंबर एक तो मुक्तक शैली तो चलती ही थी, ठीक है, तो मुक्तक शैली का भी प्रयोग हुआ इसमें, मुक्तक, मुक्त रचनाएं लिखी गई, मुक्त छंद का प्रयोग भी कह सकते हैं, और प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीक भी बहुत ज्यादा इसमें अपनाए गए थे, विद्रोह की भावना भी थी। निम्नलिखित में से किसी एक काव्य ग्रंथ के कवि का नाम बताइए। अब है पहला है एक पतंग अनंत में, एक पतंग, लेखक हैं अशोक वाजपेयी, कौन है? फिर आता है पंचवटी, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। फिर है समर्पण, समर्पण वेणुलो गूंजे धरा, ये किसकी हैं 2 रचनाएं? माखनलाल चतुर्वेदी। समर्पण किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी। अनामिका, अनामिका परिमल, गीतिका तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका किसकी है? निराला की।
आएगा गद्यांश, तीन प्रश्न होंगे दो दो अंक के। पहला गद्यांश है आपका, हमारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। तो समझ जाइए कहाँ से लिया गया, भारतीय संस्कृति। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये जो अंडरलाइन है इसकी व्याख्या करनी होगी, तो शुरुआत से चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मतानुसार हमारी संस्कृति का जो मुख्य आधार है वो अहिंसा पर ही आधारित है, क्योंकि जहां जहां नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है, जहां जहां नैतिक सिद्धांतों की बात की गई उसमें अहिंसा को प्रमुखता दी गई है, यानी व्याख्या करते समय वही बात आप अपने हिसाब से कह देंगे। फिर अहिंसा को मुख्य स्थान दिया। अहिंसा का दूसरा नाम या रूप है त्याग। तो अहिंसा का दूसरा नाम क्या है, त्याग है। हिंसा का दूसरा नाम है स्वार्थ, यानी जहां पर हिंसा निहित होती है वहां स्वार्थ की भावना होती है, और जहां पर अहिंसा होती है वहां पर त्याग की भावना होती है। ठीक, जो प्रायः भोग के रूप में हमारी सामने उपस्थित होती है, इसी प्रकार व्याख्या हो जाएगी। फिर है संदर्भ लिखना, संदर्भ बता ही दिया गया, राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृति, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। ठीक, अब प्रश्न आता है, पारस्परिक विरोध को कैसे मिटाया जा सकता है, पारस्परिक विरोध को। तो गद्यांश में जाइए, तो शुरुआत से पढ़िए। श्रुति कहती है यहां से, तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसी मूल मंत्र के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के, समाज समाज के, और व्यक्ति समाज के, देश देश के बीच का विरोध मिटा सकते हैं, यानी कि निस्वार्थ त्याग भावना के माध्यम से। अगला गद्यांश आया, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं, मित्रता से आ गया। लेखक गद्यांश का संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो रेखांकित अंश जहां से स्टार्ट है वहां से स्टार्ट करो बात अपनी। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, एक ही रुचि को। अब यहां अपने हिसाब से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में समानता हो, आदतें समान हो, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है, और ठीक वैसे ही स्वभाव तथा सभ्यता दोनों की, दोनों में समता हो, यह भी आवश्यक नहीं है। दो विभिन्न स्वभावों के मनुष्यों में प्रेम हो सकता है, मित्रता स्थापित हो सकती है, क्योंकि पहलवान की मित्रता एक साधु से भी हो सकती है। अब सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, आप लिख भी चुके हैं, प्रदर्शक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, बंधु के समान होना चाहिए, प्रीति पात्र बना सकें जिसको ऐसा होना चाहिए, हमारी सहानुभूति वाला होना चाहिए, हमारे हानि लाभ से उसका भी हानि लाभ वो भी अपना समझे ऐसा होना चाहिए, यानी सुख दुख का साथ। फिर आगे पद्यांश आएगा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनु आय सुमांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मात मंजू बर कुंजर गामी।
राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत संहारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तौ धसिव धनु मृणाल की नाई तोर हु राम गणेश गोसाई। अब इसका संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश श्री रामचरितमानस के श्रीरामचरितमानस से लिया गया या श्रीरामचरितमानस से संकलित धनुषभंग शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं या महाकवि तुलसीदास हैं। तो इसमें क्या वर्णन किया गया है? गुरुपद श्रीराम चंद्र और लक्ष्मण गुरु के चरणों को प्रेम के साथ बड़े अनुराग के साथ वंदना करके प्रणाम करके चरणों में प्रणाम करके राम ने मुनिन यानी मुनियों से आयसु आज्ञा मांगी। गुरु जी को प्रणाम करके उनके चरणों की वंदना करके राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी और सहजता के साथ सकल जग स्वामी संपूर्ण जग के स्वामी भगवान राम बड़े सहजता के साथ चले। ऐसे चले जैसे मत माने मतवाला, मंजु माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने चलता है। ऐसी चाल से चले जैसी चाल से एक सुंदर मतवाला श्रेष्ठ हाथी चलता है। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। तो प्रसंग आप लिख देंगे इसमें कि सभी प्रस्तुत पद्यांश में सभी नर नारी राम धनुष तोड़ लें इसकी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलत राम सब पुर नर नारी राम के चलते वक्त सभी प्रकार के पुर माने वहां के जनकपुर के नर और नारी पुलकित हो गए और संपूर्ण शरीर में सुख का संचार हुआ और पूरे शरीर के साथ पुलकित हो गए। तो बंद पितर सुर सकृत संहारे और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे वंदना करके पितर माने पूर्वजों की वंदना करके राम कहते हैं कि हम अगर पुण्य आत्मा हों अर्थात अगर हम पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए हों कुछ हमारे पुण्य के प्रभाव हों तो हे गणेश गोसाई। अच्छा ठीक है, इसमें प्रसंग ये लिखेंगे कि राम गणेश गोसाई से प्रार्थना करते हैं कि मैं इस धनुष को कमल की नाल के समान तोड़ दूं। ठीक है, वो प्रसंग नहीं लिखेंगे। तो कहते हैं कि अगर पुण्य के पूर्व प्रभाव हो तो हे प्रभु हे गणेश हे गोसाई हे ईश्वर हे प्रभु तव शिवधन, तो ये शिव जी का धन हम मृणाल माने कमल के समान कमल की नाल के समान तोड़ दें, मुलायम नाल के समान। आप काव्यगत सौंदर्य लिख देंगे, रस वीर और श्रृंगार दोनों रस हैं, है ना, श्रृंगार वीर दोनों हैं। छंद चौपाई, अलंकार उपमा रूपक, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा, गुण प्रसाद माधुर्य, है ना। चलो आगे देखो, नभ में गर्वित झुकता नशलिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण हे चिर महान हे चिर महान। हिमालय से लिया गया, लेखिका महादेवी वर्मा हैं। वो हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय तुम्हारा शीश नभ में आकाश में गर्वित गौरवान्वित होकर के खड़ा है, कभी झुकता नहीं है, परंतु आप इतने गौरवशाली होते हो इतने महान होते हो भी अपने अपनी गोद में एक मामूली सी छोटी सी मिट्टी को संजोए हुए हो, एक बहुत ही दीनहीन बहुत ही गरीब निर्धन मिट्टी को अपनी गोद में संजोए हुए हो, तो मन गल जाता नत विश्व के देख, तुम्हारे सामने संपूर्ण विश्व जब तुम देखते हो तुम्हारे सामने संपूर्ण विश्व झुका हुआ है तो तुम्हारा मन गल जाता है, द्रवित हो जाता है और तुम्हारा शरीर जो है वो कुलिश माने वज्र के समान प्रहारों को भी सहन कर लेता है। कितने मृद कितने कठिन प्राण, तुम्हारे प्राण कितने कोमल और कितने कठोर हैं। फिर
काव्य का सौंदर्य। क्या लिखेंगे? रस, वीर, छंद, मुक्तक या गेय पद लिखेंगे, अलंकार, हाँ उपमा रूप हो जाएगा, फिर नहीं अब बताइए, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा और गुण, प्रसाद और माधुर्य। अब आगे आपका जीवन परिचय 3 अंक में आएगा। अगर एक रचना का नाम आप नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। 2 नंबर में आपका जीवन परिचय और उसके बाद में कृतियों का अगर उल्लेख करेंगे तो क्या होगा? अगर कृतियों का उल्लेख करेंगे तो 1 अंक बढ़ेगा। तो जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय सबका करा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, एक कवि का जीवन परिचय देना होगा, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे और सूरदास, तो ये भी करवा चुके हैं, आप सब पढ़े भी होंगे। आगे आएगा एक संस्कृत गद्यांश और उसका हिंदी अनुवाद करना होगा, वो भी संदर्भ सहित, इसमें प्रसंग नहीं लिखना होता है, संदर्भ का 1 अंक और अनुवाद का 3 अंक होता है, पूरा 4 अंक। भारतीय संस्कृति ही तू सर्वेशां मतावल, भारतीय संस्कृति तो सर्वेशां माने सभी मतावलंबिना मतावलंबियों की संगम स्थली माने संगम स्थली है, काले काले समय समय पर विविधाः विचाराः विविध विचार भारतीय संस्कृतौ समाहिता भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहते हैं, ऐसा संस्कृति ही समसामासिकी सुना ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति अस्ति, यह संस्कृति सामासिक संस्कृति है, यस्याः जिसके विकासे विकास में विविधा नाम विविध जाति नाम जातियों के संप्रदाय नाम संप्रदायों के विश्वानांच योगदानम दृश्यते, विश्वानांच माने विश्वास और योगदान दिखाई देते हैं, अतएव इसलिए अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृते, हमारी भारतीयों की, हम भारतीयों की, हमारे भारतीयों की एक ही संस्कृति और एकाच राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता है, सर्वे अपि वयम् एकस्याः संस्कृतेः सम उपासकाः, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं, एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रियाः, और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं अर्थात राष्ट्रीयता वाले हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, कहां से लिया गया? मरणम वापि जया वापराज पराजयो अर्थात पुरु कहता है कि चाहे बंधन में हो अथवा मरण में हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र माने दोनों, समो माने दोनों अवस्थाओं में, समो माने समान रहता है, वीरह माने वीर, क्योंकि वीर भावो ही वीरता, वीरता का भाव ही वीरता है, वीर का भाव ही वीरता। हाँ अब एक श्लोक आएगा आपको लिखना, लेकिन वो किताब में न हो तो श्लोक याद हैं, अगर नहीं याद है चैनल पे पढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं, वहाँ बहुत ही कायदे से हमने बताया है श्लोक कैसे याद करें, तुरंत याद हो जाएंगे। फिर आपके प्रश्न आएंगे संस्कृत में, 2 करने होंगे, तो पहला प्रश्न तो खैर गड़बड़ टाइप हो गया है क्योंकि ये वाला पाठ हट चुका है। अमुको कह स्फुट वक्ता भवती पत्रम, अमुकः पत्रः स्फुट वक्ता भवती प्रतिकषाघात पश्चात चंद्रशेखरः किम अकथयत जयतु भारतम, प्रतिकषाघात पश्चात यानी प्रत्येक कोणे के पश्चात चंद्रशेखर क्या बोलता था, जयतु भारतम, भारत माता की ग्रहे सतः किम मित्रम, घर पर मित्र कौन होता है, भार्या, ग्रहे भार्या मित्रम अस्ति, ग्रहे सतः भार्या मित्रम अस्ति। फिर आपको रस पढ़ेंगे, आप रस पहचानिए कि मुनि ही मोह मन हाथ पराए
हसहि शम्भुगण अति सचुपाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परइ बुद्धि ब्रह्म सानी। हास रस है, स्थाई भाव क्या है? स्थाई भाव हास रस है, हास, क्योंकि नारद मुनि की बात की गई और हंसने की बात आई है, वैसे पहचान लीजिए। फिर करुण रस की परिभाषा लिखिए, जहां पर शोक नामक स्थाई भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव आदि के संयोग के द्वारा पुष्ट होता है, वहां करुण रस की। उदाहरण लिखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये भी लिख सकते हैं, शोक बिकल रो वहीं सब रानी, रूपशील गुण ज्ञान बखानी, करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, गिरही भूमि तल बारही बारा। यहाँ पे कैकेयी सुमित्रा कौशल्या विलाप कर रही हैं, तो करुण रस है। अब अलंकार बताना है, और आपके सिलेबस में दो ही अलंकार हैं, कौन कौन से? तीन है ना, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। तो लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाए, और निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाए। बताइए कौन सा अलंकार है? जनु आया, जनु 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 जानो मनु मानो ज्यो जनहु मनहु, जब आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, जहां उपमेय में उपमान का, जहां में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, या तुम्हारा मुख चंद्र सा है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, और कौवे सी बोली तेरी। चलिए, सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित, सोरठा रोला छंद का, तो सोरठा बताइए, यह दोहे का उल्टा होता है, चार चरण सम्मात्रिक छंद है, और पहले तीसरे चरण में ग्यारह तेरह 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 ना, पहले तीसरे में तेरह तेरह, दूसरे चौथे में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण बताइए, एक सोरठा का उदाहरण बताइए फटाफट। है नहीं पता है, जल्दी बताओ, बताइए। बंदा हो घन नायक करीवर बदन वाला लिखो, तो आगे देखिए, देखिए सुनिए, सोरठा का जेहि सुमिरत सिद्धि होय, घन नायक करीवर बदन करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराथ शुभ गुण सदन, बुद्धिराथ शुभ गुण सदन। अब उपसर्ग आएंगे तीन, देखो आ से बनाइए, आ से छोटा से, आ छोटा से बनाना है, रुको बता रहे हैं, अहंकार नहीं होगा, आचार आज अजन्मा अमर, और सु से देखिए, सुमित्रा सुशोभित, हम बता रहे हैं, तुम लिखो, केवल बोलो नहीं, हम बता रहे हैं, लिखो। सह से सहकार सहकारिता, अप से अपमान अपयस, अभि से अभ्युदय अभ्युत्थान अभिषेक, त्वा से अप्त्वा प्रत्यय, प्रत्यय बनाइए, महत्व कटुत्व घनत्व, पन से बचपन अपनापन, वट से बनावट लिखावट, ता से लघुता प्रभुता, आई से
पढ़ाई लिखाई। आगे देखिए, दो समास विग्रह करना है, राम और कृष्ण द्वंद्व समास, बारहमासा द्विगु समास, आना जाना द्वंद्व समास, आना और जाना नवरत्न नवरत्नों का समूह द्विगु समास, दही का दधि हो जाएगा दधि, पुरुषार्थ का उसमें मूर्धन्य सा लगा लो पिटचिरी सा जिसको बोलते हो, कीर्ति का कीर्ति, गुणी का गुणी, और तालाब के दो पर्यायवाची सरोवर तड़ाग सर जलाशय, और गाय का धेनु गौ, सुरभि सर्प का सांप उरग पन्नग, आकाश का आसमान नभ अंबर गगन शून्य अंतरिक्ष, लियाकृति का लाकृति होगा, और संधि का नाम हाँ, प्रत्येकम का प्रत्येकम, उपरि का उपर्युक्तम इत्युक्तम, यण संधि है सब में, मधु का मधुभ्याम चतुर्थी द्विवचन मधुभ्याम और नदीभ्याम, अस्मद का क्या होगा आवाभ्याम। अब पठावा क्या है, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, पठामि पठावा पठामः, हसेह हस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए तो हमें का हो जाएगा वयम, वयम देश प्रेमी भवेम, वह घर कब जाएगा सह ग्रहम कदा गमिष्यति, अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है, अधिकारेण सह कर्तव्या अपि संलग्नः, भारतः एकः महान देशः अस्ति। फिर निबंध आएगा, निबंध करवा दिए हैं चैनल पे देख सकते हैं। फिर आगे खंड काव्य आपका आएगा, खंड काव्य जो आपका जिले में चलता है वही करना होगा।